आज आइए लेकर के चलते हैं राधे के स्टेशनरी के माध्यम से। बड़ा ही हमारे दिमाग में सुंदर एक गीत आया जो कवियों ने बड़े ही सुंदरता से इसको दर्शाया है। इसमें जो हमारी माताओं बहनों का मासिक नियम होता है उसके बारे में कुछ नियम बताए हैं कि जब हमारी माताएं रजस्वला होती हैं तब अगर कुछ नियमों का पालन नहीं करती हैं शिव कुमार भैया जी तो माताओं को नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। और ये बात कहां हद तक सही साबित होती है तो कभी लोग ही जाने जिन्होंने इस पद को लिखा है, लेकिन हम अपने अनुभव से इसको आप तक पहुंचा रहे हैं। और आप लोग अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर दीजिए। और राधे कैसेट एचडी को जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही नए नए संदेश नए नए गीत आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचते रहेंगे। तो जब हमारी माताएं बहने रजस्वला होती हैं तो कुछ नियम बताए गए हैं, और पता है वो चार दिन के नियम ही पुत्रों का पालन पोषण करते हैं। उन चार दिन के अंदर भैया ब्रजेश समझ लो कैमरा लगो तो कैमरा जैसो कुछ दृश्य देखियो तुरंत खच्चर फोटो खींच गई और समझ लो फिर बच्चा के स्वरूप वैसा ही बनना निश्चित है। रजोवती दिया जौन दिन और मुख नहीं देखे उकाऊ और बैनन मुख सब चले करे न कछु चित चाऊ। जब रजस्वला हो तो उन दिनों में अत्यधिक बात नहीं करें, और दूसरी बात उन्हीं दिनों के बीच में और खिजे जो सुत को रूप और जो फोटो को कैमरा सोई लख है सोई अनुरूप। जैसे मानो ये जो फोटो वाला कैमरा चलता है वो लगा हूं चार दिन में, जैसा दृश्य देख लिया वैसी फोटो खींच गई। अब पता चले घरवाली तो गोरी गोरी, पिताजी गोरे गोरे, अब कोई काले आदमी के सामने जाए बतलाओ उसे बोलो ना वह केरी फोटो खींच गई, कल ही कहीं पता नहीं हो हमारो हायु की ना है। ऋतु काल चार दिन का यह नियम जान लेना और जो कुछ वचन कहे हैं सो सब प्रमाण लेना। जो कुछ वचन कहे हैं सो सब प्रमाण लेना। ऋतुकाल चार दिन का यह नियम जान लेना, जो कुछ वचन कहे हैं सो सब प्रमाण लेना। अब सुनो, अगर इन चार दिनों के अंदर इन चार दिन के अंदर स्नान कर करोगी, अगर इन चार दिन के अंदर आपने नहाया तो क्या होगा? कई लोग सोचती नहीं गंदे हो गए नहा लेते, लेकिन नहाना गलत है। इन चार दिन के अंदर स्नान कर करोगी होवे प्रदर तुम्हारे ही बीत जान लेना। और संदीप भैया मासिक नियम में इन चार दिनों के अंदर अगर तुमने को ज्यादा चटिया जोरी अब इंघा इंघा खूब बतलानी हूं तो फिर लल्लो वैसे बकवाद ही हो जाई है। बहुपात जो करोगी बकवाद हिलाली होगा, बहुपात जो करोगी बकवाद हिलाली होगा और रोने से टेढ़ी आंखें हो ये तो जान लेना। अगर तुमने इन चार दिनों में बहुत ज्यादा रोया
तो समझ लीजिएगा टेढ़ी आंख वाला पैदा होगा। तुम सोचो कि घर में तो कोई नहीं, मगर तुमने जो कमी की उसका परिणाम मिल रहा। ऋतुकाल चार दिन का यह नियम जान लेना, दिन में जो सो गई तो अगर तुमने दिन में ज्यादा सोया तो क्या होगा? दिन में जो सो गई तो हो पुत्र सोने वाला, अगर दिन में ज्यादा सोई तो सोनकई पैदा हुई। दिन में जो सो गई तो हो पुत्र सोने वाला, कुछ काम नहीं करेगा ये बात जान लेना। काल चार दिन का यह नियम जान लेना, और सुनिए ध्यान से। कर तेल को लगाया इन दिनों में, कर तेल को लगाया कुष्ठि जनों की बालक, अगर तेल लगाया तो कोढ़ी हो सकता है। कर तेल को लगाया कुष्ठि जनों की बालक, श्रृंगार नहीं करना ये बात जान लेना। ऋतुकाल चार दिन का यह नियम जान लेना, चुगली करी अगर जो इन चार दिनों में बैठ बैठ के इधर उधर अगर चुगलियां खाई, चुगली अगर करी जो सुत चुगल खोर होगा, लड़ने हो लड़ा तू ये बात जान लेना। कवियों ने अपने अपने प्रमाण जो बताए, कवियों ने अपने अपने प्रमाण जो बताए, यह बात सत्य होगी तुम इसको मान लेना। ऋतुकाल चार दिन का यह नियम जान लेना, जो कुछ वचन कहे हैं सो सब प्रमाण लेना।